नमस्ते भाभी, कितनी रोटी बनाऊं आज? चार? इतनी कम? भैया नहीं है क्या आज घर पे? कहाँ गए? पता नहीं कब तक आएंगे? एक हफ्ता? तो भाभी चार रोटी तो फिर आप खुद ही बना लेते। अच्छा चलो आ गई हो तो अब बना दूंगी। जिम नहीं गई भाभी आज? सुबह कुछ काम था? अच्छा ऐसे ही मन नहीं कर रहा था। हाँ आज मौसम अच्छा है ना, मेरा भी मन नहीं कर रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि भाभी को तो कुछ भी बनाना नहीं आता है, जाना ही पड़ेगा, तो आ गई। आज फिर दो रोटी कम बना दूं? एक्सरसाइज तो करी नहीं है आपने। वैसे भाभी मुझे भी बता दो कुछ पतला होने के लिए, आप तो इतना इतना खाती हो फिर भी आप पतली हो। मैं कुछ खाती भी नहीं तब भी मैं मोटी होती जा रही हूँ। भाभी आपके सास ससुर यहाँ कभी रहने नहीं आते? क्यों बनती नहीं है उनसे? बता दो, मेरी भी नहीं बनती है मेरी सास से, मुझे तो उन्हें देखते ही ऐसे किलसन सी मचती है। वैसे ठीक ही है, एक कमरे का तो आपका घर है, फिर कहाँ उन्हें सोफे पे रखती? भाभी वो ऑफिस जाती हो? अच्छा आपका घर से ही काम हो जाता है? आप ज्यादा कमाती हो या भैया? नहीं मैं तो बस पूछ रही थी, मैं अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाती हूँ। भाभी आप जैसे ये निक्कर पहन के रखती हो घर में तो भैया अलाउ कर देते? मुझे तो भाभी मैं सलवार की जगह प्लाजो भी पहन लूँ तो भी डांट लगाते हैं। भैया अच्छे हैं। भाभी आपका फोन आ रहा है, यहाँ रखा है। किसका है? भैया का? कोई और भैया भी है? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, मैं तो रोटी बन गई, मैं जा ही रही थी, जा रही हूँ। नमस्ते।